नमस्कार दोस्तों, आज हम त्रिपेज प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यानी बहुपेज प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बहुपेज प्रणाली क्या होती है कि बहुपेज प्रणाली में प्रत्येक पेज की वोल्टता तथा आवृत्ति तो समान होती है, जबकि कलाओं में एक निश्चित कला का अंतर होता है। यानी बहुपेज प्रणाली में प्रत्येक जो पेज है उसकी वोल्टता समान रहती है, आवृत्ति समान रहती है, जबकि कलाओं में एक निश्चित कला का अंतर होता है। तो देखो, बहुकला प्रणाली कौन कौन सी होती है? देखो कि दो फेज प्रणाली, अब इनमें अंतर कितना होता है, कला अंतर बोलते हैं। यानी दोनों कलाओं के बीच में जो अंतर होता है उसे कला अंतर बोलते हैं। यानी किसी बहुपेज प्रणाली के दो कलाओं के बीच का अंतर कला अंतर कहलाता है। तो दो फेज है, थ्री फेज है, फोर फेज है, या फाइव फेज या सिक्स फेज, जो भी है, इनमें कला अंतर कितना होता है पहले हम यही अध्ययन करते हैं। तो देखो, कला अंतर कि दो फेजों के बीच का जो अंतर कला अंतर किस प्रकार से निकालेंगे। देखो, कला अंतर, तो देखो यदि दो फेज प्रणाली है तो इसमें कितना होगा, तीन फेज है तो इसमें कितना होगा, चार में क्या होगा। देखो, कलांतर होता है 360 बटा कलाओं की संख्या, 360 बटा कलाओं की संख्या। अब देखो, यदि दो फेज प्रणाली है तो किस प्रकार से निकालेंगे, 360 अब बटा, देखो दो फेज प्रणाली में कलाओं की संख्या दो के, यहाँ पे दो के स्थान पर चार रखा जाता है। अब चार रखने का कारण क्या है कि यदि केवल दो का ही भाग लगाते हैं, देखो दो निकालेंगे तो कितना हो रहा है, 180 डिग्री होगा, यानी कलांतर 180 डिग्री होगा। इसका आशय क्या हो गया, मान लो कि पहला फेज ये है, मान लो कि ए है और ये है बी, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का कलांतर होगा, तो फेज वोल्टेज तो मिल जाएंगे, जबकि कला वोल्टता मापेंगे तो शून्य होगी उनकी। यानी कला से कला की वोल्टता हम निकालेंगे तो शून्य हो जाएगी, इसलिए 180 डिग्री का नहीं रखा जाता है, 90 डिग्री का रखा जाता है। किस प्रकार से है वो इसकी दो फेज प्रणाली में अलग से व्याख्या बता दूंगा मैं। तो कितना रहेगा दो फेज प्रणाली में, कितना रहेगा 360 बट्टा 4 कितना हो गया, 90 डिग्री। यदि तीन फेज प्रणाली है तो कला अंतर क्या हो जाएगा, 360, यानी ये तो हो गया दो फेज में, दो फेज में कला अंतर, तीन फेज में कला अंतर क्या हो जाएगा, 360 बट्टा 3 कितना हो गया, 120 डिग्री। यदि चार फेज है तो चार फेज में कला अंतर क्या हो जाएगा, 360 बट्टा 4 कितना हो गया, 90 डिग्री। हाँ, चार फेज में 90 डिग्री। यदि पांच फेज है तो पांच फेज प्रणाली में कला अंतर कितना हो जाएगा, 360 बट्टा 5, 360 में 5 का भाग लगाएंगे कितना, 72 डिग्री, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। और यदि छह फेज प्रणाली है तो छह फेज प्रणाली में 360 बट्टा 6 कितना हो गया, 60 डिग्री। कई बार सवाल भी पूछ लेते हैं, ये सवाल पूछा हुआ है कि छह फेज प्रणाली में किन्हीं दो कलाओं के बीच कला अंतर कितना होता है, तो 360 बट्टा कलाओं की संख्या कितना हो गया, 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि दो फेज प्रणाली में 90 डिग्री, तीन फेज प्रणाली में दो कलाओं के बीच कला अंतर 120 डिग्री, चार फेज में 90, पांच फेज में 72, छह फेज में 60 डिग्री का कला अंतर होता है। अब देखो, इसी में हम अध्ययन करते हैं कि फेज वोल्ट, कला वोल्ट, फेज करंट और फेज वोल्ट, लाइन वोल्ट, फेज करंट, लाइन करंट, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखो, फेज वोल्ट और फेज वोल्ट फेज करंट क्या होता है, लाइन वोल्ट और लाइन करंट क्या होता है, इनके बारे में देखते हैं।
तो देखो पहले हम जानकार लेते हैं फेज वोल्ट की, यानी कला वोल्टता। कला वोल्टता, कला वोल्टता क्या होता है कि किन्हीं ही कला व न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी किसी फेज व उदासीन या न्यूट्रल के बीच मापी गई वोल्टता कला वोल्टता या फेज वोल्टता कहलाती है। तो फेज वोल्ट या कला वोल्ट किसे कहेंगे कि किसी फेज, मान लो फेज और न्यूट्रल, मान लो कोई क्वाइल है, ये फेज और न्यूट्रल से संयोजित है और यहाँ जो हम वोल्टता मापेंगे, फेज और न्यूट्रल से मापी गई वोल्टता के अक्रॉस मापी गई वोल्टता कला वोल्टता कहलाती है। दूसरी होती है लाइन वोल्टता। लाइन वोल्टता क्या होती है, लाइन वोल्टता, लाइन वोल्टता क्या होती है कि किन्हीं दो फेजों से संयोजित उपकरण या युक्ति के अक्रॉस मापी गई वोल्टता लाइन वोल्टता कहलाती है। मान लो ये फेज वन से संयोजित है, ये फेज टू से संयोजित है, तो फेज टू फेज यानी दो फेजों के अक्रॉस मापी गई वोल्टता लाइन वोल्टता कहलाती है और लाइन वोल्टता को VL से प्रदर्शित करते हैं, फेज वोल्टता को VP से प्रदर्शित करते हैं। यानी लाइन वोल्टेज है तो इसे VL से प्रदर्शित करेंगे, फेज वोल्टेज है तो इसे VP से प्रदर्शित करेंगे। तो किन दो फेजों के अक्रॉस मापी गई वोल्टता लाइन वोल्टता कहलाती है। अब है फेज करंट। फेज करंट किसे कहते हैं कि कोई भी उपकरण जो फेज और न्यूट्रल से संयोजित है यानी कला व उदासीन से संयोजित है तो उस में से प्रवाहित धारा फेज करंट कहलाती है। यानी मान लो यह कोई उपकरण है, ये फेज और न्यूट्रल से संयोजित है और यहाँ हम एक एम्पेयर मीटर लगाते हैं मान लो, तो ये जो धारा पर जो दर्शित करेगा वो होगा फेज करंट या कला, कला धारा कह सकते हैं इसे। तो कला धारा क्या हो गई कि किसी एक कला से संयोजित या किसी कला व उदासीन से संयोजित कुंडली में से प्रवाहित धारा कला धारा कहलाती है। इसे IL से प्रदर्शित करते हैं, कला धारा को हम IP से प्रदर्शित करते हैं। तो कला धारा को IP से प्रदर्शित करते हैं। अब है लाइन धारा। लाइन धारा क्या है, लाइन, लाइन को रेखा धारा भी बोलते हैं, यानी लाइन वोल्टेज को रेखा वोल्टेज और लाइन धारा को रेखा धारा भी बोलते हैं। तो इसको हम IL से प्रदर्शित करते हैं। लाइन धारा क्या होती है कि कोई भी कुंडलन जो दो कलाओं से संयोजित है या उपकरण जो दो कलाओं से संयोजित है और उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा लाइन धारा कहलाती है। मान लो ये फेज वन और ये फेज टू से संयोजित है तो ये धारा होगी IL, यानी ये जो मीटर पाट्यांक दर्शाएगा वो लाइन करंट दर्शाएगा IL। अब देखो अभी इनमें क्या संबंध होता है फेज करंट लाइन करंट या फेज वोल्ट लाइन वोल्ट, इनमें वो आगे हम दो फेज या तीन फेज प्रणाली का अध्ययन करेंगे तो उसमें पता चलेगा। तो पहले हम दो फेज प्रणाली के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दो फेज प्रणाली क्या होती है देखो, अब दो फेज प्रणाली में क्या होता है कि दोनों कला कुंडलन को 90 डिग्री के कला अंतर पर स्थापित किया जाता है, वह दो फेज प्रणाली कहलाती है। मान लो कोई भी ऐसा उपकरण है या प्रत्यावर्तक है या जो मोटर है, उपभोग युक्ति या उत्पादन युक्ति कोई भी मान लो, यदि वह दो फेज युक्ति है तो इसमें क्या होता है कि दोनों कला कुंडलन 90 डिग्री के कला अंतर पर स्थापित किए जाते हैं। मान लो कि इस प्रकार से यह कुंडलन है, ये मान लो कि एक कुंडलन है तो ये हो जाएगा A1 A2, मान लो ये A1 A2 और ये B कुंडलन है या A1 A' भी कह सकते हैं, A और A' B और B', तो इनको स्थापना 90 डिग्री के कला अंतर पर, 90 डिग्री पे, यानी इनकी जो स्थापना होती है कुंडलन की
वो 90 डिग्री के कला अंतर पर या एक दूसरे कुंडलन को 90 डिग्री के अंतर पर स्थापित किया जाता है तो वह होगी दो फेज प्रणाली। तो दो फेज प्रणाली में दोनों कला कुंडलन को 90 डिग्री के कला अंतर पर स्थापित किया जाता है। अब देखो इसी का हम अध्ययन करें तो देखो मान लो ये हो गया इस प्रकार से स्थापना, इनकी कुंडलन का संयोजन 90 डिग्री, ये हो गया कलांतर 90 डिग्री, इसका वेक्टर आरेख भी बना लेते हैं। चलो थोड़ा साइड में बनाते हैं, ये हो गया 90 डिग्री, ये ए। अब देखो ए किसको रखेंगे, ये ए और ये बी, मान लो ये पहला फेज है, ये दूसरा फेज है, इससे ये 90 डिग्री पीछे है, पश्चिम का पीछे है, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब देखो अभी फेज वोल्ट और लाइन वोल्ट का हमने अध्ययन किया। फेज वोल्ट किसे कहा था कि किसी फेज और उदासीन, तो ये हो गया न्यूट्रल बिंदु उदासीन, ये हो गया फेज वन और ये हो गया फेज टू। तो यहाँ जो मापते हैं वो होगा फेज वोल्ट, यहाँ जो मापते हैं वो हो गया फेज वोल्ट, जबकि दो अलग अलग कलाओं से यहाँ पर मापते हैं वो हो गया लाइन वोल्टेज। मान लो हम यहाँ एक वोल्ट मीटर लगाते हैं वो बताएगा फेज वोल्ट, यहाँ एक वोल्ट मीटर लगाते हैं वो भी बताएगा फेज वोल्ट, जबकि यहाँ एक वोल्ट मीटर लगाते हैं वो लाइन वोल्ट बताएगा। तो ये हो गया फेज वन और ये हो गया फेज टू, टू फेज प्रणाली के अंदर। तो देखो यहाँ वोल्ट मीटर लगाते हैं तो ये फेज और न्यूट्रल से संयोजित होगा तो ये फेज वोल्ट प्रदर्शित करेगा, यहाँ वोल्ट मीटर लगाते हैं वो भी फेज और न्यूट्रल से संयोजित हो रहा है ये भी फेज वोल्ट प्रदर्शित करेगा, जबकि यहाँ यदि वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वो दो अलग अलग फेजों से संयोजित हो रहा है तो वो लाइन वोल्ट दर्शाएगा। अब इसमें फेज वोल्ट और लाइन वोल्ट में क्या संबंध रहेगा, देखो बीच में कालांतर कितना है 90 डिग्री, तो ये क्या है फेज वोल्टेज, ये क्या है फेज वोल्ट, यानी ये फेज वोल्ट दर्शा रहा है, ये फेज वोल्ट दर्शा रहा है, ये हो गया लाइन वोल्टेज, तो ये हो गया VL। यदि इसको VP1 कहे तो ये VP2 हो जाएगा और ये हो जाएगा लाइन वोल्टेज। अब किस प्रकार से निकालेंगे, ये हो गया एक समकोण त्रिभुज, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब। मान लो तो ये आधार कर्ण और लंब, आधार क्या है इसमें VP2, लंब क्या है VP1, कर्ण क्या है VL। तो यदि ये दो दे रखे हैं ये ज्ञात करना हो तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करने का सूत्र हम लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो कर्ण क्या है इसमें VL, तो VL का स्क्वायर बराबर आधार क्या है VP2, या VP, अब देखो VP2 और VP1 VP के बराबर ही है, ये 100 वोल्ट है तो ये भी 100 वोल्ट रहेगा, ये 200 है तो ये भी 200 ही रहेगा, क्योंकि बहुकला प्रणाली के अंदर प्रत्येक फेज की वोल्टता और आवृत्ति समान रहती है, जबकि कलाओं में एक निश्चित कला अंतर होता है तो वोल्टता का मान समान रहेगा, तो इसे हम VP कह सकते हैं, इसे भी हम VP कह सकते हैं। तो ये हो गया VP का स्क्वायर प्लस VP का स्क्वायर। अब देखो यहाँ ले लेते हैं VL का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये VP एक और दो, तो ये हो गया दो VP का स्क्वायर, ये VL स्क्वायर है, यदि VL ज्ञात करना हो तो VL बराबर हो जाएगा रूट दो VP का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा VL बराबर रूट दो VP स्क्वायर, सॉरी VP। तो ये हो गया दो फेज प्रणाली के अंदर लाइन वोल्टेज ज्ञात करने का VL बराबर रूट दो VP। अब देखो दो फेज प्रणाली के अंदर यदि लाइन वोल्टेज ये ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा रूट दो VP, यानी जो ये वोल्ट दे रखा है उसको रूट दो से गुणा कर दो, ये वोल्ट प्राप्त हो जाएंगे। अब इसके अंदर धारा क्या रहेगी, अब देखो धारा क्या रहेगी इसी में हल कर लेते हैं।
धारा देखो, यहाँ हम एम्पेयर मीटर लगाते हैं, ये वोल्ट मीटर उठा देते हैं एक बार। देखो यहाँ एम्पेयर मीटर लगाते हैं और एक एम्पेयर मीटर मान लो यहाँ लगाते हैं, अब दोनों एक ही पाठ्यांक दर्शाएंगे। ये तो दर्शाएगा इस कुंडलन में से प्रवाहित धारा और ये दर्शाएगा लाइन धारा। तो दो फेज प्रणाली के अंदर आई एल बराबर आई पी होगा, जबकि वी एल बराबर रूट दो वी पी होगा। दो फेज प्रणाली के अंदर आई एल बराबर आई पी होगा, जबकि वी एल बराबर रूट दो वी पी होगा। यानी फेज वोल्ट को रूट दो, रूट दो का मान यानी 1.414 से गुणा कर दे तो लाइन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। अब इसे एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं, अच्छा समझ में आएगा। कि मान लो कोई दो फेज प्रणाली है जिसमें लाइन वोल्टता का मान 100 वोल्ट है, मान लो लाइन वोल्टता का मान 100 वोल्ट है तो फेज वोल्टता क्या होगी। यही मान लो कोई प्रणाली है, दो फेज प्रणाली है, ये मान लो VP1 या फेज वन कह सकते हैं, इसे फेज वन, ये फेज टू। यदि इस लाइन वोल्टता का मान 100 वोल्ट है तो फेज वोल्टता का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ये पूछा। ये हो गया N। यानी मान लो कोई दो फेज प्रणाली के अंदर लाइन वोल्टेज 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट है तो ये फेज वोल्टेज क्या होगा। अब देखो अपना सूत्र क्या है, VL बराबर रूट दो वी पी। क्या क्या दे रखा है इसमें, दे रखा है VL, VL का मान क्या है 100 वोल्ट, वी पी ज्ञात करना है। इससे सूत्र बन जाएगा, देखो VL बराबर रूट दो वी पी। वी पी ज्ञात करना हो तो वी पी बराबर हो जाएगा VL बटा रूट दो। यानी वी पी बराबर क्या हो जाएगा, वी एल का मान क्या है 100, रूट दो का मान 1.414 और 100 में 1.414 का भाग लगाएं तो क्या आएगा 70.2, 70.2 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.4707, हाँ 70.7 वोल्ट, सॉरी। तो क्या हो जाएगा 70.7 वोल्ट। तो फेज वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा 70.7 वोल्ट हो जाएगा। अब इसका मान लो एक विपरीत लेते हैं, एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं इसको। यदि लाइन वोल्ट, इसमें तो लाइन वोल्टेज देखे फेज वोल्ट पूछा था, अब की बार बाय द मान लो ये देकर ये पूछे तो क्या होगा, किस प्रकार से निकालेंगे। देखो मान लो एक दो फेज प्रणाली है जिसमें फेज वोल्ट का मान मान लो कि 200 वोल्ट है, मान लो ये वोल्ट मीटर 200 वोल्ट बता रहा है तो ये इसका मान क्या होगा। यानी फेज वोल्ट का मान 200 वोल्ट है तो लाइन वोल्टता का मान क्या होगा, किस प्रकार से निकालेंगे। यही सूत्र रहा अपना, इसमें क्या दे रखा है वी पी बराबर क्या दे रखा है 200 वोल्ट, वी एल बराबर क्या है ज्ञात करना है। सूत्र क्या हो जाएगा, वी एल बराबर रूट दो वी पी, वी एल बराबर रूट दो वी पी, रूट दो यानी 1.414 इंटू वी पी क्या है 200, इसको गुणा करेंगे 14.28 यानी 282.8 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा 282.8 वोल्ट हो जाएगा, यानी लाइन वोल्टता का मान इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा 282.8 वोल्ट। तो यह है दो फेज प्रणाली के अंदर फेज वोल्ट लाइन वोल्ट ज्ञात करना, जबकि कर धारा का मान समान रहेगा। पूछ ले कि इसमें से 10 एम्पेयर की धारा बह रही है, लाइन करंट का मान 10 एम्पेयर है, फेज करंट क्या होगी, तो वो भी 10 एम्पेयर रहेगी। यानी लाइन करंट फेज करंट दो फेज प्रणाली में समान ही रहेंगे, अलग कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है दो फेज में, तीन फेज में अलग अलग सिस्टम रहता है तो वो अलग हम हल करेंगे। तो ये था दो फेज प्रणाली और इसके अलावा कलाओं के बीच कालांतर का अध्ययन करना। ठीक है दोस्तों।